पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फंसे हिमाचल के 80 युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आपबीती व्यथा सुनाई है। युवकों द्वारा बनाए गए वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। वर्तमान में खाने के लिए ना तो उन्हें राशन उपलब्ध हो रहा है और कई समस्याओं से उन्हें दो-चार भी होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल के जिला कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर के करीब 80 युवा निजी कंपनी में कार्यरत थे और लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू के चलते काम बाधित होने के चलते वे वहां पे फंस गए हैं। वर्तमान समय में उनके पास खाने का भी सामान उपलब्ध नहीं है और उन्हें भूखमरी से गुजारा करना पड़ रहा है। पीड़ित युवकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से घर वापसी के प्रति अपनी गुहार लगाई है। हम लोग यहाँ में 1 महीने से फंसे हुए हैं, जब हाँ से जी, लॉन्ग टाइम किया गया हाँ जी, तो और उसके बाद अब हम लोग अपने हिमाचल जाना चाहते हैं। हाँ जी, तो अब लोग हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को हिमाचल पहुंचाया जाए। इसकी व्यवस्था हमारी अब तक तो चली हुई है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होगा, ना तो हम कुछ कर सकते हैं और सरकार हमारी कोई भी हम किसी में मदद नहीं कर, और हमारे पास जो पैसा है वो खत्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारी ये जो 50 साल से ऊपर है जी, हाँ जी, मजदूरी करने के लिए हम कलकत्ता में गए थे। हाँ जी, तो वहाँ पर बीमारी की वजह से हम रुकना पड़ा। हाँ जी, तो बात ऐसी है सर, ऐसी गुजारिश की जाती है कि हमें कुछ सरकार तरफ से हमें घर पहुँचाने की सुविधा दी गई है। ठीक है जी, देख सकते हैं आप, हम ये सारे बंदे जो है अपने अपने घर जाना चाहते हैं, मगर सरकार कुछ भी सहयोग नहीं मिल रहा है और ना ही मतलब कि आगे भी उम्मीद हम कर सकते हैं कि सरकार हमारी, हम मजबूर हो गए हैं। अगर हम वीडियो तभी डाल रहे हैं कि अगर हम मजबूर नहीं होते तो शायद हम नहीं डालते, इसलिए हमारे को मजबूर होकर ऐसा काम करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि हम हिमाचल वासियों की प्रार्थना है सरकार से कि ये हमारी बात जरूर सुने। हाँ जी भाई जी, कहाँ से हो आप? मैं सर बिलासपुर से हूँ। हाँ जी, तो मैं गांव खरली का रहने वाला हूँ, गोड़दार से। हाँ, तो पोस्ट ऑफिस धनी पखर। हाँ जी, तो मैं यहाँ कलकत्ता में आया था। हाँ, तो यहाँ मैं पढ़ चुका हूँ और अब लॉकडाउन 3 दिन से लगा है। तो मैं यहाँ आए थे हम मजदूरी करने के लिए। हाँ, जो यहाँ राशन पानी था, जो हमारे पास पैसा पाई था, तो अब ये खत्म हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे को घर छोड़ने की पालना करें। ठीक, हाँ जी भाई जी, कहाँ से हो आप? हम हिमाचल से हैं सर। हाँ जी, गांव, गांव सर, सॉरी, एड्रेस बताओ अपना। हमारा एड्रेस पोस्ट ऑफिस कुंडलू, हाँ जी, जिला नालागढ़, डिस्ट्रिक्ट सोलन से। हम यहाँ कलकत्ता में मजदूरी करने के लिए आए थे। हाँ जी, और सर यहाँ पर जो कि लॉकडाउन का 1 महीना से पालन कर रहे हैं। हाँ जी, और खाने पीने का जो कि हमारे पास व्यवस्था थी वो भी शेष हो गई। हाँ, तो सर, कैसे चला रहे थे आप? सरकार ने आपका सहयोग दिया कैसे? नहीं सर, फिर भी हम सरकार के खुद के पैसों से पैसों से कर रहे थे सर। हाँ, अब ऐसा है कि खाने पीने का जो कि सामान था वो भी शेष हो गया। हाँ, और हमारे को यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे को हमारे हिमाचल में पहुंचाया जाए। हाँ, जो कि हम कलकत्ता में मजदूरी करने के लिए आए थे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल सरकार से इन युवाओं को वापस लाने की अपील की है और कहा कि जिस प्रकार कोटा के छात्रों को सरकार वापस लाई है, उसी तरह इन मजदूरों को भी वापस लाया जाए।